हेलो, ईएनटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाक का ड्रॉप क्या नाक में हमेशा के लिए डालते रहना क्या सेफ है, और जब आपके डॉक्टर ने कोई स्टीरॉयड बेस्ड नेजल स्प्रे लिखा है तो क्या वो एक नाक के ड्रॉप का सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप नाक का ड्रॉप जो नाक को तुरंत खोल देता है, कुछ एक पॉपुलर ब्रांड जैसे ऑट्रिविन, जीवियन, जैलोमिस्ट वो नाक को ड्रॉप तुरंत खोल देते हैं, पर इन सब ड्रॉप्स को आप लंबे समय तक नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये ड्रॉप लंबे समय तक डालने पर अपनी एफिकेसी खो देते हैं और नाक भी रिबाउंड कंजेशन से ज़्यादा जकड़ जाता है, और ये नाक का ड्रॉप हार्ट रेट बढ़ाते हैं, नाक में और ड्राइनेस लाते हैं। तो एट द मोस्ट आप इनको 5 से 7 दिन तक अंडर मेडिकल सुपरविजन डाल सकते हैं, या ओकेजनल यूज़ के लिए भी आप अपने आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इनके एडिक्टेड हो जाते हैं, जिन्हें हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए डॉक्टर एक कोई स्टीरॉयड बेस्ड या स्टीरॉयड प्लस एंटीकोलिनर्जिक बेस्ड ड्रॉप स्प्रे देता है। ड्रॉप और स्प्रे में बुनियादी फर्क ये है कि जो नाक तुरंत खोलते हैं, और ये स्प्रे बहुत स्लोली एक्ट करते हैं। तो जब मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप नेजल स्प्रे यूज़ करो, तो वो ड्रॉप और स्प्रे को कंपेयर करने लगते हैं, डॉक्टर साहब ये तो स्प्रे बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं है, जबकि जो ये ड्रॉप था ये नाक तुरंत खोल देता था। भाई दोनों को कंपेयर मत करो, नाक का ड्रॉप एक खरगोश जैसा है और नाक का स्प्रे एक कछुए जैसा है। खरगोश बहुत तेजी से भागता है पर थक जाता है, थक के सो जाता है, और कछुआ जो स्प्रे है धीरे धीरे चलता है और लंबी दूरी तक जाता है। ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। हाँ, जो नाक के ड्रॉप जिनमें प्योर सलाइन वाटर होता है वो आप जितना मर्जी डालो, दिन में 100 बार भी डालो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा है। बट मैं बात कर रहा हूँ वो नाक के ड्रॉप को जो बंद नाक तुरंत खोले, वर्सेस नेजल स्प्रे जिसमें स्टीरॉयड होता है या कोई एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होती है। ये नेजल स्प्रे प्रैक्टिकली सेफ है, दो इनमें स्टीरॉयड होता है, बट हार्डली 1% ऑफ टोटल डोज गेट्स एब्जॉर्ब इन टू बॉडी, और वो इजिली लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है। प्रैक्टिकली स्टीरॉयड स्प्रे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कुछ स्टडीज कोट करते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा देखने में नहीं आया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे डाले सलाइन वाटर के अलावा, वो मेडिकल सुपरविजन के में डाले, और अगर आपके डॉक्टर ने छोड़ बोला है कि नो ड्रॉप जो नाक बंद नाक तुरंत होते हैं उन्हें छोड़ दें, तो उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें डस्टबिन में फेंक दीजिए, और वो नेजल स्प्रे डालते रहिए, और उनके अफेक्ट आने में समय लगेगा। प्लस और बड़े फैक्टर्स हैं नाक खोलने में, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, स्टीम, अनुलोम विलोम और मेडिसिन, तो वो डॉक्टर देख के आपको हेल्प करेगा कि आप बंद नाक तुरंत खोल सकें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।